Yes, students. Question number 6. Exercise 16.3. Write the यानी probability. Students, ये एक बहुत अच्छा question है. इसके अंदर क्या हुआ है कि एक laboratory की efficiency के बारे में दे रखा है. तो एक locality है जहां पर 0.1% लोग रोगी है, यानी एक विशेष प्रकार के रोग से वो ग्रस्त है. और 0.1% का मतलब क्या होता है, 0.1/100% अटैक है तो 100 आएगा, दो जीरो है तो डेसिमल यहां लग जाएगा, 0.001 हो जाएगा. और E2 का मतलब है कि वो रोगी नहीं है. तो अगर 0.1% रोगी है तो 1 वैसे माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी हो जाएगी, रोगी नहीं होने की. ये प्रोबेबिलिटी होगी यानी प्रायिकता होगी रोगी होने की, तो E2 है उसके रोगी नहीं होने की. अब लेबोरेटरी में क्या होता है कि अगर हम टेस्ट कराने जाते हैं और वो बंदा अगर रोगी है तो 99% वो लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो एक्यूरेट आता है, 99% बोला है क्वेश्चन के अंदर. यहां ए का मतलब हो जाएगा टेस्ट इज पॉजिटिव, मीन्स E1 और ये A. इसका मतलब E1 मतलब एक्चुअली हैज डिजीज, मतलब रोग ग्रस्त है, और टेस्ट पॉजिटिव आएगा मतलब वो लेबोरेटरी बताएगी कि भी ये बंदा रोगी है, यानी रोग को डिटेक्ट कर लेगी. इसके कितने चांस दे रखे हैं इसने, 99%. 99% का मतलब होता है 99/100, यानी इसको लिख सकते हैं 0.99. और P2 का मतलब वो रोगी नहीं है और लेबोरेटरी में अगर ब्लड टेस्ट कराने जाए तो फिर भी रोगी वो कहते हैं कि टेस्ट इज पॉजिटिव, मतलब वो रोग ग्रस्त है, बंदा रोगी नहीं है, स्वस्थ है, हेल्दी पर्सन है. फिर भी अगर वो टेस्ट कराने जाता है तो उसको ये कहा जाता है कि वो रोगी है. इसके कितने चांस है, 0.5%. का मतलब 100 है, मीन्स दो जीरो है जैसे हो जाएगा तो 0.005. वापस समझ लो, 0.1% जो जन समुदाय है, जो लोकेलिटी है उसके अंदर रोगी है, बाकी रोगी नहीं है. अगर एक रोगी आदमी जिसको ईवन यानी कि एक्चुअली हैज डिजीज, रोग ग्रस्त है और टेस्ट कराने जाएगा और लेबोरेटरी बताएगी यस उसके अंदर रोग अवेलेबल है, मींस ए मतलब टेस्ट इज पॉजिटिव, तो क्या होगा इसके अंदर, इसके कितने गैस है क्वेश्चन में दे रखा है, 99% अगर वो रोगी नहीं है फिर भी अगर वो जाता है ब्लड टेस्ट कराने तो उसको रोगी बता दिया जाता है, ऐसे कितने चांस है, 0.5%. तो परसेंट जाएंगे तो 100 आ जाएगा, तो यानी 0.005. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ए काम हो चुका है, मतलब उसकी पर्ची के ऊपर लिखा आ चुका है कि वो रोगी है, यानी टेस्ट इज पॉजिटिव. पता होगा वो वास्तव में वो रोगी है क्या, है ना, वो रोगग्रस्त है नहीं है, इवन पूछा है इसने, है ना. इवन अपॉन ए का मतलब क्या, टेस्ट पॉजिटिव आ गया, अब रोगी होने के कितने चांस है, बेस फर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन, ए अपॉन इवन इंटू पी इवन इंटू पी ए अपॉन इवन प्लस PE2 एंड ए अपॉन पी, सारी वैल्यू इसमें पुट कर दें, PE1 यहां से 0.001, ए अपॉन इवन अपॉन 0.99, यहां से सेम वैल्यू आएगी 0.99 प्लस PE2 यानी 0.999 इंटू ए अपॉन E2 यानी 0.005. थोड़े काउंटिंग करें, देखें यहां से अगर डेसिमल हटाएं तो ये आ जाएगा 1000, यह आ जाएगा 100, यह आ जाएगा 1000, यह आ जाएगा 100, यहां पर 1000, यहां पर 1000. तो मैक्सिमम जीरो कितने, 6 जीरो आ रहे हैं, है ना. तो आप ऐसा करो 6 जीरो से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 1 और 6 जीरो, तो 5 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर फाइनल वैल्यू आ जाएगी 99 जीरो. अपॉन यहां पर देखो 1 जीरो यहां भी बढ़ जाएगा, है ना, ये बाकी कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल नहीं करो तो भी हो जाएगा, और यहां पर इसका आ जाएगा 9 9 9 इंटू 5.
अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 990 तो पड़ा है, ये 990 यहां भी पड़ा है और प्लस इसको 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 45 4 कितना हो गया 49 फिर 4 बच गया फिर 49 ये फाइनली मेरे पास आ गया 990। अपन इसको ऐड कर लो आप, ये तो हो गया 5 और 9 और 9 की तो 21 और ये 10 और 9 19 फिर 1 आ गया 4 और 1 5 आ गया। इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, 5 से रिड्यूस कर दें 5 बचा 5 4 9 जा अभी 8 जा इसको 5 से 5 बन गया 5 बन गया 4 बच गया 5 बन गया 40 है 3 और ये 7 जा यानी कि मेरे पास आ गया इंटू अभी भी रिड्यूस हो सकता है 9 से रिड्यूस हो रहा है कैसे 1 2 9 18 और 10 मैंने 18 9 से हो रहा है तो 9 से कर दिया 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18 1 बच जाएगा यहां से 9 से 9 बच जा 9 कितना बच जाएगा 2 है ना 29 तो 9 3 जा 27 और 9 3 जा 27 अब किससे हो रहा है बताओ देखें अब 11 से हो रहा है क्या चेक करो देखें 11 से बिल्कुल नहीं हो रहा है तो 22 ये 11 का 2 23 आ जाएंगे या 22 आ जाएगा फाइनली हमारे पास कितना आ गया 22 अपॉन 133 इसका आंसर आ गया। बहुत अच्छे ढंग से करें आप इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक तो हॉस्टल में रहने वाले और एक हॉस्टल में नहीं रहने वाले, तो डिसाइड हॉस्टल और डे स्कॉलर। तो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे कितने 60% है और बाहर से तो हॉस्टल नहीं रहते ना वो बाहर से पढ़ने आने वाले 40% 60% का मतलब अगर कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है इसके कितने चांस है 60% 60/100 और बाहर से पढ़ने आता है इसके कितने चांसेस है 40% मतलब 40/100। अब ग्रेड ए मिलना है उस कॉलेज के अंदर तो प्रीवियस रिकॉर्ड ये कहता है या ए को आप कहते हैं ए का मतलब हो जाएगा गेटिंग ग्रेड ए, ग्रेड ए का मिलना। अगर कोई स्टूडेंट इवन का मतलब हॉस्टल में रहता है और उसको ए ग्रेड मिला इसके रिकॉर्ड क्या है इसका 30% यानी 30% बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं ना उनमें से 30% चांस है कि उसको ग्रेड ए मिलेगा, प्रीवियस रिकॉर्ड ये कहता है। और यहां पर P2 मतलब बाहर से पढ़ने आता है फिर भी उसको ग्रेड ए मिलेगा इसके चांस है 20%। ये कहां से क्वेश्चन में गिवन है, प्रीवियस डेटा के ऊपर डिपेंड है। अब क्वेश्चन क्या है, ग्रेड ए तो मिल चुका है इसकी सूचना आ गई हमारे पास, अब हमें ये अनुमान लगाना है कि वो बच्चा छात्रावास में रहता था यानी वो हॉस्टल में रहता था इसकी कितने चांस है। मींस ये जो काम हो चुका होता है उसको अपॉन में लिखते हैं, जो फाइंड करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो इवन अपॉन ए मतलब ए काम हो चुका है, मतलब ग्रेड ए का अनाउंसमेंट हो चुका है, अब वो बच्चा हॉस्टल में रहता है उसके कितने चांस है, मतलब इवन ऊपर आएगा। कोई बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर लेंगे अपन इसको, ए अपॉन इवन इनटू फॉर्मूला याद हो गया सबको, ये सेम रिपीट होगा इवन इनटू ए अपॉन इवन प्लस ए इनटू इनटू ए अपॉन इवन। अब आप इसको सॉल्व करो फिर वैल्यू रखे यहां पर सॉल्व करते चले जीरो जीरो उड़ा दो बाकी पड़े रहने दो 6/10 इनटू ये जीरो जीरो हटा दे तो मेरे पास आ जाएगा ये 3/10 6/10 इंटू 3/10 प्लस पी टू यहां से 0 0 तो 4/10 मिलते हैं इसको इंटू ए अपॉन ई टू यानी कि 0 0 घट जाएगा 2/10। अब देखो 10 और 10 कितना मल्टीप्लाई 100 आएगा, यहां भी 100 है यहां भी 100 है तो ये 1/100 कॉमन लेंगे ना या एलसीएम लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली मेरे को मिलेगा ये तो कैंसिल जाएगा सभी जगह। ऐसा भी कर सकता है कि 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 100 से नीचे मल्टीप्लाई करो सारे अपना कैंसिल हो जाएंगे 6 3 18 हो गया यहां पर ये 18 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 8 तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा 18/ कितना हुआ 26। अब इसको सॉल्व करो 2 से 2 9 जा और 30 9/
30, यानी कि एक ग्रेड का एडवांसमेंट हो चुका है। अब उसके कितने चांस है कि वो हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को मिला है, तो कितने चांस है उसके 9/30, यानी ज्यादा चांस है, 13 में से 9 चांस है जिसके अंदर हॉस्टल वाले बच्चे के लिए अनाउंसमेंट हुआ होगा। ये सिर्फ हमने अनुमान लगाया है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन गाइड करने के लिए आपको बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखें, एक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें ताकि दूसरे बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, होप फॉर योर गुड रिजल्ट।